हमारे देश में कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक घंटे की बैठक के बाद लिया फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक और शिक्षा सचिव बैठक में मौजूद। 10वीं के बच्चों का तय मापदंड के तहत होगा मूल्यांकन, जल्द इसे निर्धारित कर दिया जाएगा। तय मापदंड से असंतुष्ट 10वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा परीक्षा देने का मौका। कोरोना संकट की स्थितियों में सुधार के बाद असंतुष्ट विद्यार्थी दे सकेंगे परीक्षा। 12वीं की परीक्षा भी टाल दी गई। पहले 4 मई से 14 जून के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षा होनी थी। बारहवीं की सीबीएसई परीक्षा को लेकर 1 जून को होगी रिव्यू मीटिंग और इसके बाद परीक्षा की तारीख पर लिया जाएगा कोई फैसला। 1 जून की रिव्यू मीटिंग में अगर 12वीं की परीक्षा कराने पर विचार हुआ तो विद्यार्थियों को तैयारी के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, 12वीं की परीक्षा रद्द करने का भी होता फैसला तो और अच्छा होता। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते थे। प्रियंका गांधी की फेसबुक पोस्ट, बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए शिक्षा मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। परीक्षा की ड्यूटी में लगे शिक्षकों और छात्र छात्राओं के परिवारों को भी सुरक्षा का खतरा। कई सारे देशों ने इस आपात स्थिति में मूल्यांकन के लिए अपनाए नए नए ढंग। उत्तर प्रदेश में बढ़ गया कोरोना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके खुद दी जानकारी। कल मुख्यमंत्री के ऑफिस के कुछ अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को कर लिया था आइसोलेट। रिपोर्ट आने के बाद संपर्क में आने वालों को जांच कराने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी पॉजिटिव, 2 दिन पहले लालजी टंडन जी की जयंती के कार्यक्रम के थे ये आयोजक। यूपी में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 1 दिन में 18,000 से ज्यादा मामले। लखनऊ में 1 ही दिन में कोरोना के 5300 से ज्यादा केस, प्रयागराज में 1800 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। हमारे देश में 1,84,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, दूसरी लहर में पहली बार 1,000 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत। हमारे देश में लगातार बढ़ रही है सक्रिय मरीजों की संख्या, 13,65,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 82,300 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, कुल आंकड़ा 1,38,00,000 के पार। अब तक 11,11,00,000 से ज्यादा लोगों को लग गई वैक्सीन, आज भी चल रहा है टीका उत्सव। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना रिपोर्ट में देरी से समय पर नहीं मिल पाया मरीज को इलाज, मौत पर मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने फूट फूट कर रोए परिजन। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में पूर्व सैनिक ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम, अस्पताल में डॉक्टर पर लगा इलाज नहीं करने का आरोप। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वागत में जुटा रहा था पूरा का पूरा अस्पताल। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। रांची में स्वास्थ्य मंत्री के सामने खुली सदर अस्पताल की पोल, निरीक्षण के दौरान मरीज की मौत हो गई, बेटी का छलका दर्द किया सवाल, मेरे पापा को वापस कर पाएगी सरकार। हमारे देश में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच हरिद्वार के महाकुंभ में आज हुआ तीसरा शाही स्नान, कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे लोग। हर की पैड़ी पर हजारों की तादाद में जुटे संतों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी, दिखा महाकुंभ का उल्लास।
गज गदा त्रिशूल फरसे के साथ गंगा स्नान में शामिल हुए साधु संत, हर की पैड़ी पर गूंजा हर हर गंगे का स्वर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।